Dear learner, welcome to MCQ Mania. प्रिय विद्यार्थी MCQ Mania में आपका स्वागत है। Resources and Development। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट से लिए गए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो ये MCQ सीरीज क्लास 10th का पार्ट 7 है। बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। ऑप्शन ए काउंटर प्लगिंग, ऑप्शन बी स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन सी क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन डी प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सॉइल कंजर्वेशन को हेल्प नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी फॉसिल फ्यूल्स। तो बताइए कौन सा इन चारों में है जो रिन्यूएबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सोलर एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ। तो बताइए एलुवियल सॉइल क्या कंसिस्ट करती है। ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी सिल्ट, ऑप्शन सी क्ले, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन। ऑप्शन ए कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ऑप्शन बी क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी एफॉरेस्टेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वो मेथड है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑन योर स्क्रीन, दैट इज बरियल ग्राउंड इज अ। ऑप्शन ए कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ऑप्शन बी नेशनल रिसोर्स, ऑप्शन सी इंडिविजुअल रिसोर्स, ऑप्शन डी इंटरनेशनल रिसोर्स। तो बताइए बरियल ग्राउंड को किस रिसोर्स में डिवाइड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज लैटरेट सॉइल इज अ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। ऑप्शन ए राइस वीट एंड मस्टर्ड, ऑप्शन बी टी कॉफी एंड कैसियो नट, ऑप्शन सी पल्सेस सुगर केन एंड रेजिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज टी कॉफी एंड कैसियो नट। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो बताइए ब्लैक सॉइल में किस कंटेंट की कमी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज फॉस्फोरिक कंटेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। ऑप्शन ए एलुवियल, ऑप्शन बी रेड सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी माउंटेन सॉइल। तो बताइए तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ऑन योर स्क्रीन, प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस टू डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन बी सीट इरोजन, ऑप्शन सी काउंटर प्लगिंग, ऑप्शन डी टेरेस कल्टीवेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज काउंटर प्लगिंग। क्वेश्चन नंबर टेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ऑप्शन ए स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन बी टेरेस कल्टीवेशन, ऑप्शन सी शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन डी ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अब क्वेश्चन 11th है। क्वेश्चन 11 कह रहा है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। ऑप्शन ए डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी पोटेंशियल रिसोर्सेज।
तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पोटेंशियल रिसोर्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 12th दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो ये पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन ए एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी ओवर ग्रेजिंग, ऑप्शन डी ओवर इरीगेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज ओवर इरीगेशन। पंजाब में ओवर इरीगेशन होने की वजह से वहाँ की जो लैंड है वो डिग्रेड कर रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉइल फॉर्म्ड बाई इंटेंस लीचिंग इज ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी रेड सॉइल, ऑप्शन सी लैटराइट सॉइल, ऑप्शन डी डिजर्ट सॉइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज लैटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 14th विच कोल्ड डिजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी द्रास। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपकी चैप्टर में ग्रिप बनेगी, आपके चैप्टर में कमांड बनेगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15 व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 27%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 43%। ये क्वेश्चन तो लर्निंग पे बेस्ड था, अगर आपने अच्छे से लर्न किया है पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्टली हैव लैटराइट सॉइल। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है 1 मार्क्स में, तब MCQ नहीं चलता था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। इस तरह के क्वेश्चन मैप बेस्ड में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द अबव स्टेटमेंट। तो ये NCERT की एक लाइन है जिसे जिस लाइन को किसी महान व्यक्ति ने कहा है, तो बताइए वो कौन है। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो किसी लालची या फिर किसी लालची के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो संतोषी हैं, जो सेटिस्फैक्ट्री हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 18th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी रॉक्स। तो बताइए बायोटिक रिसोर्स इन चारों में कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ऑप्शन ए ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ऑप्शन बी बरील ग्राउंड्स, ऑप्शन सी विलेज पॉन्ड्स, ऑप्शन डी प्राइवेटली ओन्ड हाउस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राइवेटली ओन्ड हाउस, क्योंकि जो खुद का घर होता है वो कभी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो किस स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ऑप्शन ए झारखंड एंड ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन डी केरला एंड तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ कैन द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो रिसोर्सेज के ओरिजिन के बेसिस पे हम उनको किन किन रिसोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन ए
biotic and abiotic resource. Option B, renewable and non-renewable resource. Option C, individual and community-owned resource. Option D, potential and reserves. तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, बायोटिक एंड अबायोटिक, क्योंकि ओरिजिन की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो भाई कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉयल कौन सी होगी? ऑप्शन ए रेगर सॉइल, ऑप्शन बी लैटरेट सॉइल, ऑप्शन सी डेजर्ट सॉइल, ऑप्शन डी माउंटेनियस सॉइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेगर सॉइल। रेगुर सॉइल जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। रेगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, Which among the following is a type of resources classified on the basis of exhaustibility? Exhaustibility के basis पे resources को किस तरह classify किया गया है? Option A, biotic and abiotic. Option B, renewable and non-renewable. Option C, national and indivisible. Option D, potential and reserves. तो इस question का correct answer है option B, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि जो रिन्यू हो जाए जो ना रिन्यू हो ये होता है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉरिजन्स नोन एज? ऑप्शन ए सॉइल कंपोजिशन, ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी सॉइल प्रोफाइल, ऑप्शन डी सॉइल टेक्सचर। ये एक इमेज के थ्रू एनसीईआरटी बुक में आपकी समझाया गया है बहुत ही अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सॉइल प्रोफाइल। इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि सॉइल प्रोफाइल से क्वेश्चन एक मार्क्स का आता ही आता है। नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो बताइए पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन ए ओवर इरिगेशन, ऑप्शन बी इंटेंसिव कल्टीवेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार सोचिएगा समझिएगा और आंसर को कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।